एक करोड़ से सवा करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं एक एकड़ में स्पिरुलिना उगाकर। वाओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रीडम ऐप के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुगन शर्मा, और आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं स्पिरुलिना के फार्म का एक टूर। यस, दैट्स राइट। स्पिरुलिना एक सुपर फूड होता है, जी हाँ, जिसमें 100 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और नासा ने इसे स्पेस फूड का नाम दिया है। नासा कहता है कि 1000 किलो फल और सब्जियों से जितना आपको न्यूट्रिशन मिलता है, उतना ही आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 1 किलो स्पिरुलिना से मिलता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि स्पिरुलिना बेसिकली एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, एक ऐसी खेती है जिसे पानी में किया जाता है। बड़े बड़े कंटेनर्स में पानी में स्पिरुलिना को उगाया जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है, टैबलेट्स बनाई जाती हैं, कैप्सूल्स बना के बेचा जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम विजिट करने वाले हैं स्पिरुलिना का फार्म। मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में, मगरपट्टा में, जहां पर न्यूट्रीजीन एग्रोटेक जो है वो एक कंपनी है जिनकी मेंटर सुप्रिया गायकवाड़, उन्होंने हमारे लिए बनाया है स्पिरुलिना फार्मिंग पे कोर्स। उनके फार्म को अब हम विजिट कर रहे हैं। आज आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में कि स्पिरुलिना फार्म में क्या क्या चीजें होती हैं। आपको इस वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा कि स्पिरुलिना टैंक में कैसे उगाया जाता है, कैसे सुखाया जाता है। एक ब्यूटिफुल सी फैसिलिटी का टूर आपको मिलने वाला है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए दर्शकों, ये है स्पिरुलिना का फार्म जहां पर स्पिरुलिना कल्टीवेट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब हम अंदर चलेंगे आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी नई नई चीजें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इस चीज की। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये है स्पिरुलिना उगाने वाला टैंक। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, स्पिरुलिना सबसे पहले हिस्टोरिक टाइम्स में, स्पिरुलिना जो है हिस्ट्री में नेचुरल लेक्स में पाया जाता था और लोग डायरेक्टली लेक से निकालकर स्पिरुलिना खाते थे। लेकिन अब स्पिरुलिना को टैंक्स में उगाया जा सकता है, उसकी खेती जो है टैंक्स में की जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पिरुलिना का टैंक जो है, ये ऑलमोस्ट 7500 स्क्वायर फीट का टैंक है। इसमें लिक्विड जो है मदर कल्चर स्पिरुलिना का और पानी जो है उसे मिक्स किया गया है। और ये जो आप घूमती हुई मशीन देख रहे हैं, इसे कहते हैं एजिटेशन पैडल। तो होता क्या है कि ये जो पूरा पानी है, इसमें लगातार घंटों तक इस एजिटेशन पैडल को चलाया जाता है और मदर कल्चर और पानी के मिलन से जो है और नए स्पिरुलिना की लेयर फॉर्म होती है। कुछ घंटों बाद शाम को इसको बंद कर दिया जाता है और स्पिरुलिना की एक लेयर जो है इस टैंक पे आ जाती है। यहाँ तक तो सिर्फ कल्टीवेशन का प्रोसेस है, उसके बाद होती है स्पिरुलिना की हार्वेस्टिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहले टैंक मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा उस तरफ हम चलेंगे, ये देखिए, ये जो है एक मोटर है जिसकी मदद से ये एजिटेशन पैडल जो है वो चलता है। आप देख सकते हैं किस तरह से एजिटेशन पैडल जो है पानी में गर्मी पैदा करता है स्पिरुलिना की ग्रोथ के लिए। तो प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको जो है मदर कल्चर यानी कि जिसे हम बीज कह सकते हैं, उसके साथ पानी को मिक्स करना है। 1:9 का रेशियो जनरली होता है और यहाँ पर टैंक में स्पिरुलिना तैयार हो रहा है। जब हम बंद कर देंगे इस मशीन को, तो एक लेयर ऑफ स्पिरुलिना जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और फिर हम स्पिरुलिना को करेंगे हार्वेस्ट। अब हार्वेस्ट किस में करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो दर्शकों, ये वो जगह है जहाँ पे स्पिरुलिना हार्वेस्ट किया जाता है। आइए आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो आप पाइप्स देख रहे हैं, टैंक से पानी जो है इस हार्वेस्टिंग यूनिट के अंदर जाता है। स्पिरुलिना की लेयर जो है ऊपर होती है और स्लरी जो है स्पिरुलिना का वो क्रिएट हो जाता है। हार्वेस्टिंग की पूरी टेक्निक हमारी मेंटर सुप्रिया जी ने हमें दिखाई थी, आप भी देख सकते हैं। हार्वेस्टिंग जो है वो मैंने आपको बताई किस तरह से की जाती है, हार्वेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो दो चीजें अभी तक हमने इस पूरे फार्म में देखी, कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग। लेकिन एक और चीज जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है ये शेड। आप देख सकते हैं पूरे फार्म पे ये शेड है। ये शेड आखिर क्यों है? ताकि अगर किसी भी तरह की धूल या मिट्टी हो
वो स्पिरुलिना में ना जाए। सनलाइट जो है यानी धूप जो है वो बहुत ज़रूरी होती है स्पिरुलिना उगाने के लिए, तो धूप जो है वो फिल्टर होकर इस तरह से यहाँ पर फार्म में आती है स्पिरुलिना को उगाने के लिए। नेचुरल सनलाइट की ज़रूरत होती है। स्पिरुलिना अक्सर उसी जगह पर उगाया जा सकता है जहाँ कम से कम 10 महीने के लिए सनलाइट रहती हो। बारिश के वक्त पे बारिश से भी 70% प्रोटेक्शन ये शेड जो है वो देता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप छोटे पैमाने पे स्पिरुलिना की खेती करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये तो एक काफ़ी बड़ी फैसिलिटी है। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि 1 एकड़ में यहाँ स्पिरुलिना उगता है। देखिए कितनी बड़ी जगह है, 1 एकड़ में स्पिरुलिना उगता है और 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपये आप कमा सकते हैं 1 एकड़ में स्पिरुलिना उगाकर। वाओ भाई, मैं आपको बता दूं बेहद सुंदर है ये स्पिरुलिना का फार्म। ये जिस तरह से पहला एक टैंक था, ये दूसरा टैंक है स्पिरुलिना का जहां पर स्पिरुलिना जो है कल्टीवेट करी जा रही है। चलिए, आपने कल्टीवेशन समझ ली, आपने हार्वेस्टिंग समझ ली। अब जब हार्वेस्ट हो गया, स्पिरुलिना मिल गया हमें, तो स्पिरुलिना की क्लीनिंग कहाँ की जाती है ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पे स्पिरुलिना को साफ पानी से धोया जाता है। अब धोया क्यों जाता है? जो आपने टैंक में पानी देखा था वो अल्कलाइन वाटर था, जहां पर स्पिरुलिना जो है वो अल्कलाइन वाटर में उग रहा था। साफ पानी से इसलिए धोते हैं ताकि पीएच बैलेंस जो है पानी का वो फिर से 7 to 7.5 के बीच में आ जाए, यानी कि सही हो जाए। और स्पिरुलिना एक खाने की चीज है, तो उसका जो पानी है जिसमें वो धुल रहा है उसका भी पीएच बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है। यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद, 2-4 बार अच्छे से स्पिरुलिना धोने के बाद, स्पिरुलिना की स्क्वीजिंग की जाती है ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा हाउस बनाया गया है, ये शीट इस्तेमाल की गई है। इस शीट की खास बात यह है कि जो अंदर का टेम्परेचर है वो हमेशा 15 डिग्री ज़्यादा रहेगा ताकि स्पिरुलिना जो है वो अच्छे से सूख सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिरुलिना को सुखाया जा रहा है, जो स्लरी फॉर्म है स्पिरुलिना का उसे सुखाया जा रहा है। सुखाकर उसके फ्लेक्स बनाए जाएंगे, फ्लेक्स को पीस कर जो है उसका पाउडर बनाया जाएगा और इस तरह से एंड प्रोडक्ट जो है स्पिरुलिना पाउडर का वो प्राप्त हो जाएगा। अब स्पिरुलिना पाउडर से जो है स्पिरुलिना टैबलेट्स बनाई जा सकती हैं, स्पिरुलिना की चिक्की बनाई जा सकती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया पूरा का पूरा स्पिरुलिना का फार्म, लेकिन क्या सिर्फ फार्म देखने से आप स्पिरुलिना की खेती सीख सकते हैं? जी नहीं। तो इसीलिए फ्रीडम ऐप पे हम आपके लेके आए हैं प्रैक्टिकल कोर्स स्पिरुलिना की खेती पर। अगर आपको वो कोर्स देखना है, सीखना है कि आप भी कैसे 1 एकड़ से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, स्पिरुलिना का कोर्स देखें। वहां पर आपको जो है बहुत सारी जानकारी मिलेगी A to Z स्पिरुलिना उगाने के बारे में। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा कुछ ना कुछ बोनस तो मैं आपको देती हूँ, तो जाते जाते मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण चीज। देखिए, ये बड़ा वाला जो शेड है जिसमें स्पिरुलिना को सुखाया जाएगा, ये बनाना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो ये खुद न्यूट्रीजिन एग्रोटेक में मौजूद यहाँ पर जो है ऑपरेशनल ऑफिसर नायक जी, उन्होंने बनाया है। उन्होंने कैसे बनाया इसे ये बता दूं आपको। ऊपर कांच लगाया है, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पिरुलिना सुखाई जाएगी खुद सूरज की धूप से, यानी सोलर हीट से जो है स्पिरुलिना इसमें सूख जाएगा। ऐसी छोटी छोटी इनोवेशन, ऐसी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी आप अपने फार्म में करें और छोटे पैसों में बड़ा फायदा आप अपने बिजनेस का करा सकते हैं। तो दर्शकों, ये था न्यूट्रीजिन एग्रोटेक के स्पिरुलिना फार्म का टूर। आई होप आपको ये टूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा फार्मिंग चैनल है ये, आप हमारे बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे पर्सनल फाइनेंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम पुणे।